रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विथ द थर्ड पार्टी. अभी देखो एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग. देखो समझो, अब हमने क्या बोला कि अ पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट. मैंने क्या बोला, अ पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट, राइट. अ पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स इन द फर्म. पर तो एक बात बताओ ना, तो एक पार्टनर एजेंट, एक पार्टनर एजेंट और एक नॉर्मल एजेंट में क्या कोई फर्क नहीं है? क्या फर्क है? नहीं नॉर्मल एजेंट कमीशन में काम करता है और पार्टनर एजेंट है उसको प्रॉफिट मिलता है. मतलब अभी एक बात बताओ, इफ आई एम अ पार्टनर विथ ऑल ऑफ यू, ध्यान दो, इफ आई एम अ पार्टनर और मैं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूं, राइट. और मैं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूं, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का आउटकम क्या खाली आप लोगों को भुगतना है कि मेरे को भी भुगतना है? अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं एज योर पार्टनर, राइट, इफ आई एम डूइंग अ ट्रांजैक्शन एज योर पार्टनर, उस ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट या जो जो लॉस होगा खाली आपको ही होगा कि हम दोनों को होगा? हम दोनों को होगा. मतलब आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट. पर अगर मैं आपके एजेंट के तरह काम कर रहा हूं, मैं कैसे काम कर रहा हूं, आपके एजेंट के तरह काम कर रहा हूं, मैंने कुछ गुड्स बेचे, मेरा क्या इंटरेस्ट है? कमीशन. मेरा क्या इंटरेस्ट है? कमीशन. आपको फायदा होगा आप मेरे को दोगे क्या? आपको नुकसान होगा मैं शेयर करूंगा क्या? नहीं, राइट. तो एक पार्टनर एज एन एजेंट हैज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विद द अदर पार्टनर्स इन द फर्म. अ पार्टनर एज एन एजेंट हैज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विद द अदर पार्टनर्स इन द फर्म, बट एन एजेंट डज नॉट हैव कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट. पार्टनर एज अ एजेंट हैज टू बेयर द आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन, बट एन एजेंट एज एन एजेंट इज ओनली वर्किंग फॉर हिज कमीशन. एब्सोल्यूटली क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मेजर डिस्टिंक्शन, राइट, द मेजर डिस्टिंक्शन, राइट, द मेजर डिस्टिंक्शन इज दैट अ पार्टनर हैज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, राइट, विद द अदर पार्टनर्स इन द फर्म. तो देखो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं. समझो तीन पार्टनर्स है, ए बी और सी, राइट. तीन पार्टनर्स है, ए बी और सी. अभी यहां पे क्या हुआ कि ए बी और सी तीन पार्टनर है. यहां पे ए एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है. किसने किया? ए ने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया, राइट. ए मेड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे थे, इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे समझो 100 रुपीज में. कितने खरीदे? 100 रुपीज में. और यही गुड्स उन्होंने बेचे कितने में? 70 में. कितने में बेचे? 70. व्हाट इज द परचेज प्राइस? 100. व्हाट इज द सेल प्राइस? 70. क्लियर बात? कौन ये ट्रांजैक्शन कर रहा है? ए. ए कौन है? पार्टनर. ये सब क्या है? पार्टनर्स, ठीक है ना. अभी इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ? लॉस. कौन ये लॉस भुगतेगा? ए बी और सी तीनों को इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट 10-10 का लॉस बेयर करना होगा. अगर इनका पीएसआर अगर हम मान लेते हैं कि 1:1:1 है, तो लॉस कौन भुगतेगा? काम किसने किया? ए ने. ही एक्ट एज एन एजेंट. फिर भी लॉस उसको भुगतना पड़ा. यस, लॉस भुगतना पड़ा ना. अभी देखो विजाविस, इन्होंने एक व्यक्ति को एजेंट अपॉइंट किया. ये एक्स कौन है? एजेंट. किसका एजेंट है? एबीसी का, राइट. किसका एजेंट है? एबीसी का. इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने ये गुड्स बेचे. इसका कॉस्ट कितना था गुड्स का? 100. एक्स ने बेचे कितने में? बेचे 70. लॉस कितना हो गया?
30, इसको कमीशन मिलना था 10% के रेट से, कितने रेट से, 10% के रेट से, इसको कितना मिलेगा, 7 रुपीज, कितना मिलेगा, 7 रुपीज। ये लॉस भुगतेगा क्या, लॉस कौन भुगतेगा, पार्टनर्स। तो एक एजेंट ओनली एज एन एजेंट एंड अ पार्टनर एज एन एजेंट में क्या फर्क है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। यार एक्स को कोई मतलब है कि तुमको प्रॉफिट हो गए लॉस हो, उसको क्या मतलब है, मैं जितने में बेचू मेरे को 10% मिलना चाहिए, ठीक है, तुमको कुछ मिले ना मिले आई डोंट केयर। बट जब ए बिजनेस के बिहाफ में काम करता है, राइट, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों में उसका कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, तो देयरफॉर अ पार्टनर एक्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, राइट, अ पार्टनर एक्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एज अ पार्टनर एंड अ एजेंट एज एन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनर एज एन एजेंट एज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विद द अदर पार्टनर्स इन द फर्म, जो भी आउटकम होगा ट्रांजैक्शन का वो उसको भी बेयर करना होगा। सो ये वर्ड याद रखना है भाई मेरे को, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, राइट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन, द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन between him and a mere agent, right? What is the principal distinction between him and a mere agent? Community of interest, right? What is the major distinction? Community of interest. अभी एक बात बताओ तो, इनका समझो बिजनेस है मोबाइल फोन का, कौन सा, अभी ए कुछ गारमेंट्स बेचकर आया, क्या बी और सी का एजेंट के तरह से काम कर रहा है वो, नहीं, बिकॉज जो काम होना चाहिए किसमें होना चाहिए, ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट, एक्ट डन बाय अ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो यहां पे खाली हम लोग चाइना लिख लेंगे ना, चाइना फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल, जहां पे मोबाइल फोन और टी शर्ट्स, राइट, मोबाइल फोन और टी शर्ट्स, किसके लिए एजेंट था वो, मोबाइल फोन के लिए, किसके लिए एजेंट था, मोबाइल फोन, क्या वो टी शर्ट के लिए एजेंट था, नहीं, उस एग्जाम्पल में जाओ, फर्स्ट एग्जाम्पल किया था ना हमने, उस एग्जाम्पल में जाओ और जो मोबाइल फोन वाला है ना उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो कि किसने, सी ने ट्रांजैक्शन किया था ना, सी इज रिगार्डेड एज एन एजेंट एज द वर्क इज डन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सी इज रिगार्डेड एज एन एजेंट बिकॉज इट इज बाइंडिंग ऑन द फर्म ना, मोबाइल फोन वाला ट्रांजैक्शन इज बाइंडिंग ऑन द फर्म, व्हाई डज इट बिकम बाइंडिंग ऑन द फर्म, बिकॉज सी इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ए एन बी, क्लियर है ना। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो मोबाइल फोन वाला था उसमें क्या लिखेंगे, सी एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ ए एन बी एंड द वर्क इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बट टी शर्ट वाले में हम क्या लिखेंगे, सी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन एजेंट, राइट, सी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन एजेंट, राइट, जो मोबाइल फोन खरीदा ना उनका, सॉरी, जो गारमेंट्स खरीदा ना, बिजनेस किसका था, मोबाइल फोन का, जो गारमेंट्स खरीदा, राइट, जो गारमेंट्स खरीदा उसके लिए क्या एक को एजेंट मान लेंगे, नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट, बिकॉज इट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस।